नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब तो मेरा नाम है आकाश और मैं फिर से हाजिर हूं अपने चैनल पे एक और वीडियो के साथ जिसका नाम है ज्ञान आकाश तो दोस्तों हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स के हमारे बहुत से मित्रों के हमारे से क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे पहचान करें कि सबसे उत्तम क्वालिटी का बिनोला कौन सा है जिसकी बिल्कुल पीली तो खलाए और जो हमारे पशु को चराने के लिए से बहुत ही सर्वोत्तम हो पूरा घी पूरा फैट पूरा कस और पूरा उसका निचोड़ हमारे पशु को मिल सके और हमें पूरे पशुधन का लाभ मिल सके तो दोस्तों हम ऐसे ही एक गोदाम के अंदर आ जाए हैं जिसमें देश के कई हिस्सों से आने वाले बिनोले लगे हुए हैं तो उसमें से हम कुछ बिनोलों को लेते हैं कुछ सैंपल को लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं एक एक सिंपल से फॉर्मूले की मदद से कि उस बिनोले की गुणवत्ता कैसी है तो दोस्तों एक तो हमारा बिनोला हमारे पीछे लगा हुआ है ये देखिए हम इसमें से थोड़ा सैंपल कलेक्ट करेंगे जैसे कि हमने इस बोरी में से एक मुट्ठी सैंपल ले लिया है ये बिनोला कुछ देखने में इस प्रकार का है दोस्तों ये एक रोलर बिनोला है और कभी भी खल जो बनती है बिनोले की खल वो हमेशा रोलर बिनोले से ही बनती है कभी भी सार्जन से या किसी रगड़ बिनोले से बिनोले की खल नहीं बनाई जा सकती अतः वह बिनोला भाव की तवर लिहाय से ऊंचा होता है तो उसका पड़ता हम खल में वैसे भी नहीं लगा सकते तो चलिए दोस्तों एक दूसरा सैंपल हम और कलेक्ट करते हैं इसी गोडाउन के अंदर से और आपको बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट के जरिए कि उसमें से से किसमें ज़्यादा तेल की मात्रा है ज़्यादा कस है और किसका किसकी पीक ज़्यादा येलोइश बनती है जितनी येलोइश उस बिनोले की पीक होगी यानी उस बिनोले का कलर पानी होगा उस बिनोले के उसका येलो कलर होगा उतना ही आपकी उत्तम गुणवत्ता वाली खल बिल्कुल पीली खल बनेगी और उतना ही उस बिनोले में तेल की मात्रा ज़्यादा होगी ये बात आप नोट कीजिएगा दोस्तों तो चलिए हैं बिना किसी औजार के बिना किसी लैब में मशीन की सहायता से कि उस बिनोले में गुणवत्ता कैसी है अभी हम आ गए हैं गोडाउन के दूसरे कमरे के अंदर और यहाँ से भी हम एक बोरी में से एक बिनोले का सैंपल कलेक्ट करेंगे जो कि हमारे देश के एक और हिस्से से आता है तो मैं ये सैंपल ले लेता हूँ ये देखो दोस्तों ये दूसरे बिनोले का सैंपल है ये बिनोला भी हमारे देश के एक दूसरे हिस्से से आता है ये भी रोलर क्वालिटी के अंदर बिनोला है देखिए थोड़ा धूप का रिफ्लेक्शन पड़ में थोड़ा ऊंचा करके दिखाता हूँ ये भी रोलर क्वालिटी के अंदर बिनोला है अब इन बिनोलों में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आप कुछ फॉर्मूले के जरिए से कि इनमें किस में ज़्यादा गुणवत्ता है किस बिनोले में तेल की मात्रा ज़्यादा है और कि किसकी खल बिल्कुल येलोइश आएगी तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम तो क्या करेंगे कि बिल्कुल ही चार दाने दोनों बिनोलों में से जैसे आप देख पा रहे हैं कि दोनों बिनोलों की हमने अलग अलग कुटियाँ बना ली हैं अब उसमें से क्या करेंगे चार दाने हम लेके बिनोले के और उसको ढंग से कूट लेंगे किसी भी पत्थर मजबूत पत्थर या मजबूत ईंट या फिर किसी भी मूसल वगैरह की मदद से आप इसको कूट सकते हैं देखिए इस बिनोलो को हमने कूट लिया है अब हम क्या करेंगे दोस्तों उसके दो क्या तो अब किसी डिस्पोजल ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और उस बिनोले के उसके अंदर डालें और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे मैश करें और घुमाएं तो उससे क्या होगा दोस्तों जो बिनोला है वो अपना कलर छोड़ देगा पानी के अंदर तो ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा बिनोला जो एक क्षेत्र से हमारे पास आता है उसका कलर कुछ इस प्रकार का बना है यानी थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है हम दूसरा बिनोरा लेंगे दूसरी कोडी में से बिनोरा लेंगे और उसको भी मूसल के सारे से कोट लेंगे और ठीक इसी तरह इसमें भी हम पानी मिलाएँगे इसको घुमाएँगे तो ये देखिए दोस्तों इस बिनोले का कलर बिल्कुल हल्दी जैसा बिल्कुल पीला बना है यानी इसका मतलब यह है कि इस बिनोले की गुणवत्ता जो पिछला बिनोला हमने पीसा था उससे कई गुना ज्यादा है और इसमें जो आपका खलका कलर आएगा जो आपका केक का कलर आएगा वो भी बिल्कुल येलोइश आएगा तो दोस्तों कभी भी बिनोला लेने जाए बाजार में या अपने मील के लिए बिनोला लें तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप जान पाएंगे आराम से कि वो बिनोले की गुणवत्ता क्या है और वो बिनोला आपको कैसा फल देने वाला है अगर ये बिनोला पशु चारे में अगर पशु हार के तौर पर अपने पशु को चराएंगे तो इस बिनोले में आपका ज्यादा घी ज्यादा फैट ज्यादा कस बैठे आएगा और आप पूरा पशुधन का लाभ इससे ले पाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही और जल्दी मिलते हैं आपसे कोर वीडियो में जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों तो धन्यवाद जल्दी फिर से मिलते हैं आपसे ये देखिए बिल्कुल येलो कलर